हाय, zomatoride.com में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपने अकाउंट पैनल में गाड़ी का स्टेटस को कैसे मेंटेन करेंगे वो हम लोग देखेंगे। इसके लिए अपने साइट को ओपन कर लेते हैं। लॉगिन पेज को ओपन कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को लॉगिन करना है, अपने पैनल में जाना है। अपने पैनल के अंदर हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पे गाड़ी का स्टेटस हम लोग का चार है, अवेलेबल, रनिंग, सिक और डिफंक। मेरा गाड़ी जो अभी डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिस्ट में जो सामने दिखाई दे रहा है इसको अवेलेबल बोलते हैं। यहाँ स्टेटस में लिखा हुआ भी है अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब है कि गाड़ी मेरा बिल्कुल ठीक ठाक है, हम कहीं भी गाड़ी को भेज सकते हैं। अगर अवेलेबल है गाड़ी तो ये गाड़ी आपका सर्च लिस्ट में भी आएगा। एक जो अवेलेबल गाड़ी है, आपका जो विजिटर कहीं भी सर्च पैनल से अगर सर्च करते हैं तो यह गाड़ी आपका शो करेगा। तो चलिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे अवेलेबल जो दिखाई दे रहा है ठीक इसके लेफ़्ट साइड में, हर गाड़ी के लेफ़्ट साइड में आपका रेडियो बटन दिया हुआ है। तो जैसे किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो आपका चार तीन ऑप्शन वहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगा, रनिंग, सीक और डिफंक। इसके साथ और भी ऑप्शन है ऐड व्हीकल्स, जिसको यूज करके हम लोग गाड़ी नया अटैच कर सकते हैं। एडिट और ऐड व्हीकल्स आपको नहीं यूज करना है, ये तो गाड़ी ऐड करते समय या एडिट करते समय यूज करेंगे। लेकिन तीन ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, रनिंग, सीक और डिफंक, ये मेरा स्टेटस चेंज करने का ऑप्शन है। तो जैसे ही गाड़ी चूज किए, आपका तीन ऑप्शन सामने है। अभी गाड़ी मेरा अवेलेबल मोड में है, गाड़ी मेरा ठीक है। अगर चाहते हैं कि इस गाड़ी को रनिंग मोड में ला दें तो ठीक इसको यहाँ लेफ़्ट साइड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर रनिंग बटन को क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको सिक मोड में ले जाएं तो सिक को क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं गाड़ी बेकार हो गया है इसको डिफंक में डाल दें तो डिफंक को क्लिक करेंगे। जैसा आपको नीड होगा उस हिसाब से ऑप्शन को चूज करेंगे। तो चलिए अभी हम फर्स्ट टेस्ट करते हैं एक को, क्योंकि मेरे पास दो गाड़ी है अवेलेबल लिस्ट में। इसको हम रनिंग मोड में लाते हैं। रनिंग मींस कि मेरा गाड़ी अवेलेबल है, अभी अभी बुकिंग हो चुका है। हम चाहते हैं कि जो कॉल जो होता है अनवांटेड कॉल हमारे पास ना आए, तो इसको रनिंग मोड में ला देंगे। रनिंग मोड पर लाने का मतलब है कि आपका गाड़ी सर्च लिस्ट जो होगा, विजिटर सर्च लिस्ट, उसमें नहीं आएगा जब तक कि आप अवेलेबल नहीं उसको करते हैं। तो चलिए इसको रनिंग मोड में लाते हैं। जैसे ही रनिंग मोड में लाएंगे तो ये इसका स्टेटस आपका चेंज हो जाएगा। अवेलेबल लिस्ट में दो गाड़ी था, आपका एक ही गाड़ी है, एक चला गया रनिंग मोड में। अगर इसको देखना है रनिंग मोड में तो यहाँ पे ऊपर में लेफ्ट साइड में मेनू ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे चार स्टेटस वाइज आपका गाड़ी लिस्ट है। अवेलेबल में एक गाड़ी है, रनिंग में 14 गाड़ी है, सिक में आपका एक गाड़ी पड़ा हुआ है, डिफंक में एक भी गाड़ी नहीं है। तो अभी हम गाड़ी जो चेंज किए हो कहाँ होगा, रनिंग मोड में, क्योंकि रनिंग, तो चलिए रनिंग को क्लिक करते हैं। जैसे ही रनिंग में गए तो बहुत सारे गाड़ी का लिस्ट है, आपका 14 गाड़ी है। यहाँ पे 10 गाड़ी हर पेज वाइज आपको शो करेगा। हमने जो गाड़ी डाला है उसका नंबर था, इस पेज पे तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, सेकंड पेज में यही था 5-6 लास्ट पे पड़ा हुआ है। इस गाड़ी को यहाँ पे तो रनिंग से रनिंग मोड में पड़ा हुआ है। रनिंग से हम चाहे तो फिर से सीक और डिफंक भी कर सकते हैं। अगर गाड़ी मेरा एक्सीडेंट हो गया है या गाड़ी बेकार पड़ा हुआ है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारे गाड़ी को फिर से अगर रनिंग मोड में लाना है, गाड़ी अगर रिलीज हो गया मेरे घर पर आ गया है, तो यहाँ से फिर से उसको गाड़ी को चूज करके जिस गाड़ी को करना है उस गाड़ी को हम यहाँ से पकड़ के इसको अवेलेबल क्लिक करेंगे। जैसे ही अवेलेबल क्लिक करेंगे मेरा गाड़ी कहाँ चल जाएगा, अवेलेबल लिस्ट में। देखिए यहाँ पर दो गाड़ी आ गया, एक पहले था एक अभी हम किए हैं।
या स्टेटस में भी बता रहा है कि अवेलेबल है। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम और भी स्टेटस चेंज कर सकते हैं, लाइक सिक और डिफंक, है ना। तो यही स्टेप्स है, आशा करते हैं कि आप इस स्टेप को समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।